गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है गोपाल भांड का फैसला। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। राजा कृष्णचंद के दरबार में गोपाल भांड रहते थे। इस पाठ में उनके एक फैसले के बारे में बताया गया है। सोच, राजा का दरबार कैसा होता था? राजा कृष्णचंद का दरबार लगा हुआ था। नगर के कोतवाल ने आपस में लड़ रहे दो व्यक्तियों को पकड़कर दरबार में पेश किया। पेश मतलब उपस्थित किया। कोतवाल का अर्थ है नगर की देखभाल करने वाला। राजा ने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? उनमें से एक बोला, महाराज, मैं तेल बेचने का काम करता हूँ। मेरा नाम गंगू है। आज जब मैं अपनी दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा था, इतने में यह तेल लेने पहुँच गया। मैंने अपना काम छोड़कर इसे तेल दे दिया और फिर अपना हिसाब लिखने लगा। अचानक मैंने पाया कि मेरा पैसों का बटुआ नहीं है। मैं दौड़ा हुआ इसकी दुकान पर गया तो इसके हाथ में वह बटुआ दिखा। अब यह बटुआ मुझे नहीं दे रहा है और लड़ाई करने पर आमदा है। आमदा मतलब लड़ाई करने को तैयार है। महाराज, मेरा बटुआ दिलवा दीजिए। और तुम्हारा क्या कहना है? महाराज ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखकर कहा। उसने कहा, महाराज, मैं कसाई का काम करता हूँ। मेरा नाम रहमान है। मैं तेल लेने इसकी दुकान पर अवश्य गया था, लेकिन मैंने बटुआ नहीं लिया। यह बटुआ मेरा है। मैं अपनी बिक्री के पैसे गिन रहा था तो ये आकर मेरा बटुआ छीनने लगा। इसी बीच कोतवाल साहब आ गए और हम दोनों को पकड़कर यहाँ ले आए। महाराज, अब आप ही इंसाफ कीजिए। इंसाफ का अर्थ है फैसला। महाराज संशय में पड़ गए, मतलब कि उन्हें संदेह हो गया। उन्होंने समस्त दरबारियों की ओर देखा। समस्त का अर्थ है सभी। किसी की भी समझ में नहीं आया कि फैसला किसके पक्ष में दें। तब गोपाल भांड अपनी जगह से उठकर बोला, महाराज का हुक्म हो तो मैं ये फैसला कर दूंगा। हुक्म मतलब आदेश। महाराज खुश होकर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम फैसला कर सकते हो। गोपाल भांड ने एक पतीले में पानी मंगवाया, फिर उस बटुए के सिक्के को पानी में डाला और महाराज का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, महाराज आप गौर करें, पानी में तेल का कोई अंश नज़र नहीं आता। फिर पानी को सूंघकर कहा, अलबत्ता कुछ दुर्गंध मांस की आती है, अतः निश्चय हो जाता है कि यह बटुआ कसाई का है। सबूत सामने पाकर गंगू का सिर शर्म से झुक गया। महाराज ने रहमान कसाई को बटुआ देकर विदा किया। फिर गंगू को दंड और गोपाल भांड को इनाम मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। गंगू ने बेईमानी की, उसने दूसरे व्यक्ति का जो बटवा है खुद का बताया, उस वजह से उसे दंड भी मिला। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।